गर्भवती महिला की पति और पति के परिवार ने की जमकर पिटाई, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना की जयंतीपुर चौकी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब चौकी से चंद कदम की दूरी पर एक पति ने अपने परिवार के साथ गर्भवती महिला की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित ने इंसाफ के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस ने पति और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। मझोला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर चौकी के चंद कदम की दूरी की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कुछ दबंग लोग एक महिला की जमकर पिटाई कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जब वीडियो में पीट रही महिला से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और घर पर दूसरी पत्नी को कब्जा दिलाने के लिए उन्होंने घर में आकर मारपीट की है। साथ ही पति के पूरे परिवार ने लोहे के डंडे से मारपीट की है और पीटी महिला को घर से बाहर निकाल दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की है। पुलिस ने इसमें आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। महिला ने अपने साथ हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई। मेरा नाम नसरीन जहां। मेरे साथ में यह हुआ कि मेरे पति ने मुझे बगैर बताए दूसरी शादी कर ली, तो उस बच्ची मैंने शादी पे मैंने विरोध करा कि मेरे बच्चों को, मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मेरे देवर जेठ और मेरे पति, मेरे सास ससुर मुझे ऊपर से खींच कर लाकर बुरी तरीके से सड़क पर मार पीट रहे थे मुझे, ये जयंतीपुर पुलिस चौकी की। मैंने अपने बच्चे भेजे, मैं तो मार पिटाई में तो बुरी हालत पड़ी थी ना, तो मुझे 112 नंबर गाड़ी उठा कर लेकर आई, नहीं चौकी से पुलिस नहीं आई। मैं सरकार से अपना इंसाफ मांगती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या महिलाओं के साथ ऐसे ही होता रहेगा? क्या एक मुसलमान महिला को इंसाफ नहीं मिलेगा? मैं अपने लिए इंसाफ के मेरे जो मुलजिम हैं वो उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दी जाए कि मोदी सरकार में इसी तरह का कोई महिला पर अत्याचार थोड़ी होता रहेगा। धमकी दी थी कि तुझे तलाक दे दूँगा या जान से मार दूँगा तुझे। मेरे पास दो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, और मैं 6 माह के गर्भ से हूँ। दोबारा से बताओ मैं कहाँ चली जाऊँ? मांग ये है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, बहुत बुरी तरीके से मारा। मेरे एक देवर ने चप्पू मारा मेरे मार तो मेरे पेट में रहा था चप्पू, और मैंने जो हाथ से इस तरह से रोका तो मेरे हाथ में लग गया। इसमें मेरे टांके हैं हाथ में। कोई कार्रवाई कुछ किसी तरह की कोई कुछ नहीं करा पुलिस ने। चंद कदम की दूरी पे ही है, बस पास में ही है। कोई नहीं आया पुलिस? कोई पा नहीं आया बिल्कुल भी। मुझे मांग ये करूँगी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, जिन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी, मेरे जो ये समझ लो कि मेरे देवर मुझे हर आजू बाजू से खींच खींच कर मार रहे थे बुरी तरीके से। मगर मैं दूध मचा रही थी बुरी तरीके से, किसी ने मेरी चीख पुकार तक नहीं सुनी। मेरे पास दो बेटी हैं और अभी 6 माह के फिर दोबारा तीसरा के फिर गर्भ से हूँ मैं। कहाँ चली जाऊँ, कहाँ ना चली जाऊँ मैं? घर इसलिए खाली के वो सोतन जो है दूसरी जो कर ली थी वो कह रहे थे कि इसमें वो रहेगी, तू नहीं रहेगी। हाँ, वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है पति पत्नी का विवाद कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन यह जो मारपिटाई की गई है सभी तथ्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी। क्या है पूरा मामला? ये थाना मझोला के जयंतीपुर का पति पत्नी का एक विवाद चल रहा है, जिसके मद्देनज़र ये वीडियो जो वायरल हुआ है वो घटनाक्रम सामने आया है। इस घटनाक्रम में पति पत्नी के बीच में पूर्व में भी न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है, जिसमें भरण पोषण उसको दिया जा रहा है पति द्वारा पत्नी को। इनके जो आपसी विवाद के चलते यह घर में घुसने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके संबंध में मुकदमा भी थाना मझोला में भी पंजीकृत कराया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और संबंधित के खिलाफ जो भी सबूत है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी में क्या निकल पाया? जैसा कि मैंने बताया कि इनके पूर्व में पति पत्नी को आपसी संबंध को लेकर कोई विवाद है और जिसको लेके ही पूर्व में इनके न्यायालय में भी वाद चल रहा है, इसी के संबंध में घर में घुसने को लेके यह विवाद हुआ था।
उसी के संबंध में ये मारपीट या जो भी वाकया हुआ था वो घटित हुआ था। इसके संबंध में जब तहरीर प्राप्त हुई उसको मुकदमा निकाल दिया। कोई तलाक वगैरह भी कुछ हुआ? अभी तक इसकी कोई कोई कंफर्म्ड सूचना नहीं है कि इनके बीच में आपस में तलाक था या नहीं था।